तो फाइनली गाइस बारिश हो रही है बहुत मस्त तरीके से, मौसम बहुत ज्यादा मस्त हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो। मेरे हाथ में जैकेट और चार्जर चार्जर होना जरूरी है, चार्जर के बिना मजा नहीं आता। ओ बारिश हो रही है, ले पकड़। और बारिश वारिश का मौसम हो चुका है तो चलते हैं। चलो दोस्तों गाइस बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, फाइनली अब हम सब जाने वाले एक सीक्रेट ट्रिप पर, बहुत मजा आने वाला है यारो। जैसा कि गाइज मैंने अभी अपनी स्मार्ट वॉच पूरी अच्छे तरीके चार्ज कर ली है, सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10-15 दिन का बैटरी बैकअप देती है। मैंने अभी अपना गिम्बल को मैं चार्ज पे लगा रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी बैटरी बैकअप अच्छा देता है 20 आवर्स का। हम अपना ये स्पीकर भी लेके जाएंगे, इसको भी चार्ज करेंगे भी थोड़ी देर में अच्छे तरीके से फुल चार्ज करेंगे। तो मैक्सिमम सारी चीज़ें हमने रख ली है, बस बेचारा ये अपना मासूम सा लैपटॉप रह जाएगा। लैपटॉप नहीं जाएगा इस बार, वो बहुत ज़्यादा घूमता है वैसे ही। फिलहाल मैंने पैकिंग कर ली थी लेकिन मेरे पास एक और बड़ा बैग था क्योंकि मेरे पे सामान ज़्यादा था जो कि वो उसमें नहीं आ पा रहा था। इसकी वजह से मैंने यहाँ से सारा सामान निकाला है एंड देन अब मैं उसको बड़े बैग में डालूंगा। और ये है अपना इनर, थोड़ा सर्दी के लिए इनर होना ज़रूरी है। और ये है अपनी एक भाई, ये शर्ट मस्त लेके आया हूँ मैं, स्वैग शर्ट, वो भी स्वैग शर्ट। ये मैंने रखा है दूसरी शर्ट, ये मेरी जीन्स है एक, इधर आप देख पा रहे जीन्स। ये मैंने एक नया लोअर लेके आया था जिसको पोलियो हुआ पड़ा है। और ये मेरी एक स्वैग पैंट। दोस्तों हमने पैकिंग कर ली थी लेकिन प्रॉब्लम हो गई थी, एक फ्रेंड ने जाने से मना कर दिया था बेसिकली। फिलहाल अभी मेरे दोस्त ने उससे बात करी है, थोड़ी बहुत आपको मैं झलक दिखाता हूँ। कब मिलना है? सुन ये भाई से बात करिए, पूरा दिल्ली में घुमा रहा था, इससे बात करिए। और अब उसने हाँ बोल दिया है, क्यों? क्योंकि उसके पापा ने उसको धक्के मार के घर से निकाल दिया था और कहा था पहले तू ट्रिप कर फिर तू जॉब कर। जॉब की वजह से वो जा नहीं पा रहा था और कंपनी उसको ज़्यादा दिन तक छुट्टी नहीं दे रही थी। इसकी वजह से ये बात सुन के मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसने उसके बड़े भाई को बोला और देन उसके बड़े भाई ने अपने पापा से बोल के उसे वहाँ से एग्री करवा ही दिया है। और फाइनली अब वो आने के लिए रेडी हो चुका है और वो अभी रोड पे खड़े हुए और वो मेरे से पूछ रहे कि आना कहाँ पे है। हमें बेसिकली जनकपुरी में मिलना है। फिलहाल गाइस फटाफट हम जाते हैं रिलायंस मार्ट और वहाँ से कुछ खाने पीने की शॉपिंग कर लेते हैं और उसके बाद उसको फटाफट पैक भी करना ही है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों अभी हम खाने पीने का सामान पैक कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ पे खाने के लिए चिप्स रख रहे हैं, बिस्कुट का हमने पैकेट रख दिया है, ये हमने कप पनीर कप रखा है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लग रहा है। बाकी खाने के बाद पता चलेगा। ये हमने पैरी पैरी लेस, मतलब लेस है कुछ पार्ले के नए फ्लेवर्स वाले आए, वो हमने अच्छे तरीके से रख दिए है। तो अब हमारी बारी आती है यहाँ के सबसे मेन कंटेंट, वो है हमारे वेफल्स। वेफल्स बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं मेरे को क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है उसमें। और ये हमारा यहाँ का सबसे मोटा शहजादा हातिम, जिसको देख पा रहे हो पॉपकॉर्न जैसे इतने स्वादिष्ट होते हैं, मज़ा आता है इनको देखते। तो अच्छे तरीके से ये फ्रेंड अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके रख रहा है। ये हमारी हिचकी वाली गोलियाँ ये हमारी हिचकी का काम करेगी। और ये पैरी पैरी, ये साहब इतने अकड़ू है, इसको खाओगे तो आप अकड़ जाओगे। तो बेसिकली इससे हमारा पूरा पेट फुल हो चुका है। हमने सारी चीज़ें पैक कर ली है, मैंने दोस्त को बोल दिया है कि सारा सामान फटाफट कार में रख ले। अब फटाफट लास्ट चीज़ें कर लेता हूँ मैं। बाय गाइस, फाइनली मैं जा रहा हूँ आज अपने हिमाचल प्रदेश की ट्रिप पे, तो मिलेंगे आपसे थोड़े दिनों में और मैं आपको थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स शॉट्स और सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा साइड बाई साइड, हर एक चीज़ आपको बड़ी बारीकी से दिखेगी। और अभी आपको मैं डिटेल भी बताऊँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिलता रहेगा। तो अच्छा चलते हैं, आ जाओ थोड़ा सा। तो फाइनली गाइस बारिश हो रही है बहुत मस्त तरीके से, मौसम बहुत ज्यादा मस्त हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो। मेरे हाथ में जैकेट और चार्जर होना जरूरी है, चार्जर के बिना मजा नहीं आता। ओ बारिश हो रही है, ले पकड़। और बारिश वारिश का मौसम हो चुका है तो चलते हैं। चलो दोस्तों तो फाइनली अपनी कार निकलती है, बैठू? हाँ ठीक है,
बेस्ट ऑफ, थैंक यू। तो फिलहाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बारिश के मौसम में निकल रहे हैं हिमाचल के लिए, और हिमाचल जाने का मज़ा ही कुछ और होता है जब मौसम ठंडा हो और ठंडी जगह जाना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी अप टू डेट। गाइस, हम फटाफट यहाँ से निकल गए हैं। फिलहाल अभी हम सबसे पहले पेट्रोल डलवाएंगे थोड़ा बहुत। एंड देन फटाफट उनके वहां तक पहुंचेंगे। बेसिक गाइस, अभी हम जनकपुर ही आए हैं। क्या हुआ? एक यूट्यूबर हो रहा है। जनकपुर आए, यहाँ से बैठ रहे हैं अब हम, और अब हम निकल रहे हैं हम अपने दूसरे तरफ के लिए। बहुत लंबा घुमाया तुम्हें यार।